और चले रुक करते अगली खबर की ओर। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है और सीएम आवास में घटना को छिपाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि एक जूनियर इंजीनियर ने सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाई, लेकिन उस समय की जो है वो ब्लैंक पाई गई, मतलब घटना के समय की फुटेज को डिलीट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जरूरी सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। तो लगातार देखिए ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और घटना के समय का सीसीटीवी जो है वो ब्लैंक मिला है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी संभावना जताई जा रही है। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोप पर केजरीवाल के पीए वैभव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं अपने पीए की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और आज बीजेपी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसमें केजरीवाल के मंत्री, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। केजरीवाल ने कहा, कभी मुझे, कभी संजय सिंह, तो कभी मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते हैं। और इसी को लेकर के आज प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलए, एमपी, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा।